हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वीवो Y28 डिवाइस के अंदर आप कॉल फॉरवर्डिंग कैसे करें। दोस्तों, आप अपने फोन में कॉल फॉरवर्डिंग कैसे करेंगे दोस्तों, इसी का सेटिंग यहां पे आपको बताएंगे। अगर वीडियो चल गए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, कॉल फॉरवर्डिंग से होता है आप अपने इनकमिंग कॉल को किसी दूसरे नंबर पर ट्रांसफर कर सकते हैं। जो आपकी इनकमिंग कॉल है आप उसको किसी दूसरे नंबर पर ट्रांसफर कर सकते हैं। आपके पास इनकमिंग कॉल नहीं आएगा, आपका जो इनकमिंग कॉल है वो दूसरे नंबर पे आएगा, वहां से आप अपने कॉल को रिसीव करके बात कर पाएंगे। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हम अपने इनकमिंग कॉल को अपने फ़ोन पे नहीं लाना चाहते, हमारा या फ़ोन ख़राब या किसी कारणवश हमारे फ़ोन में कोई प्रॉब्लम है, या हम अपने इनकमिंग कॉल को किसी और के पास भेजना चाहते हैं जो हमारी इनकमिंग कॉल है किसी दूसरे नंबर पर आए, तो उसके लिए आपको अपने फ़ोन में कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग करना होगा। जो आपकी इनकमिंग कॉल है वो दूसरे नंबर पे आएगी और वहां से अपने कॉल को रिसीव करके आप बात कर पाएंगे। दोस्तों, आप अपने फोन में कॉल फॉरवर्डिंग कैसे करेंगे, चलिए अपने सेटिंग को ओपन करते हैं और वहां से आपको बता देते हैं। उसके लिए आपको अपने फोन डायलर को ओपन करना है जहां से आप फोन लगाते हैं। तो हम अपने फोन डायलर को यहाँ पे ओपन कर लिए। आप देख रहे हैं जो हमारा फोन डायलर है यहाँ पे ओपन हो जाता है और ऊपर में आपको थ्री डॉट का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं थ्री डॉट का ऑप्शन है, तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन आएगा, तो आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सेटिंग का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे बहुत सारे सेटिंग आ जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे आपको मिल जाएगा कॉलिंग अकाउंट, तो आपको इस पर क्लिक करना है। ये आप देख रहे हैं ऑप्शन है यहाँ पे कॉलिंग अकाउंट, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है SIM1 SIM2। दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन है SIM1 SIM2, तो दोनों में से आपको चॉइस करना है कौन से नंबर की कॉल फॉरवर्डिंग करना है। जिस नंबर की आपको कॉल फॉरवर्डिंग करना है उस सिम को यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। जिस नंबर की कॉल फॉरवर्डिंग करना है उस सिम को यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हम SIM1 को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको SIM2 की कॉल फॉरवर्डिंग करना है तो यहाँ पे आप SIM2 सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम SIM1 सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ पे कुछ सेटिंग आ जाता है और यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाता है कॉल फॉरवर्डिंग, तो आपको कॉल फॉरवर्डिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये वाले ऑप्शन पे। और यहाँ पे आपको मिलता है वॉइस कॉल वीडियो कॉल, आपको यहाँ पे चॉइस करना है कौन सी कॉल ट्रांसफ़र करना है, आपको वीडियो कॉल या वॉइस कॉल। दोस्तों, तो बहुत फ़ोनों में ये सेटिंग नहीं आता है, वहाँ पे डायरेक्टली हो जाता है कॉल फॉरवर्डिंग। दोस्तों, यहाँ पे हम चॉइस कर लेंगे वॉइस कॉल और इसके बाद यहाँ पे रीडिंग करेगा, जो रीडिंग सेटिंग यहाँ पे ओपन होता है। और इसके बाद थोड़ा सा आपको वेट करना है। अगर आपके फ़ोन में नेटवर्क अच्छा है तो ये तुरंत शो हो जाता है, अगर नेटवर्क अच्छा नहीं है तो ये थोड़ा सा वेट करना हो सकता है। और इसके बाद यहाँ पे आपको जो है सेटिंग यहाँ पे शो होगा इस तरह से। और इसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है ऑलवेज फॉरवर्ड, तो आपको उस पर क्लिक करना है, ये वाला ऑप्शन पे। और जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको नंबर टाइप करने को आ जाएगा। दोस्तों, तो यहाँ पे आपको जिस नंबर पे अपने इनकमिंग कॉल को भेजना है उस नंबर पे यहाँ पे आपको ऐड करना है, जो आपका दूसरा नंबर है उस नंबर को यहाँ पे आपको ऐड करना है। तो आपको यहाँ पे नंबर टाइप कर लेना है, जो भी नंबर आपका हो यहाँ पे आप इस तरह से उसको टाइप कर लेंगे। अगर आपका जो नंबर है वो आपके सेव कॉन्टेक्ट में सेव है, तो उसके लिए यहाँ पे सेव कॉन्टेक्ट का यहाँ पे एक छोटा सा लोगो आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद जो आपके सेव नंबर है यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ से आप नंबर को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम किसी एक नंबर को सिलेक्ट कर लेते हैं और इस नंबर पे यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टर्न ऑन का ऑप्शन है, इसको टर्न ऑन कर देना आपको। जैसे इसको टर्न ऑन करते हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं अपडेटिंग कर रहा, और इसके बाद ये हमारा कॉल फॉरवर्डिंग यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारा कॉल फॉरवर्डिंग है हो चुका। अब हमारे पास कोई भी इनकमिंग कॉल नहीं आएगा, जो हमारा इनकमिंग कॉल है वो दूसरे नंबर पे जाएगा और वहाँ से रिसीव करके बात करना होगा। इस तरह से आप अपने फ़ोन में कॉल फॉरवर्डिंग कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत लोग कॉल फॉरवर्डिंग कर लेते हैं लेकिन कॉल फॉरवर्डिंग को बंद नहीं कर पाते, क्योंकि दोस्तों कॉल फॉरवर्डिंग से होता है कि जो आपकी इनकमिंग कॉल है वो आपके पास नहीं आएगी, दूसरे नंबर पे जाएगा। इसको बंद करना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसको बंद करने के लिए इस सेटिंग को आपको इस तरह से ओपन कर लेना है और इसके बाद यहाँ पे ऑलवेज फॉरवर्ड का जो ऑप्शन है आपको फिर से उस पर क्लिक करना है। और जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे साइड में आपको मिल जाएगा टर्न ऑफ, आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको टर्न ऑफ करेंगे ये अपडेटिंग करेगा और इसके बाद यहाँ पे बंद हो जाएगा, जो आपकी कॉल फॉरवर्डिंग है यहाँ पे बंद हो जाएगा। अभी हमारा जो कॉल फॉरवर्डिंग यहाँ पे बंद हो चुका है। इस तरह से आप अपने कॉल फॉरवर्डिंग को बंद भी कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा किस तरह से आपको अपने फोन में कॉल फॉरवर्डिंग करना है। दोस्तों, अगर वीडियो चलो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, हमारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।